मैं अपने तजर्बों से अपने बच्चों को अपनी औलादों को यह कह के जा रहा हूँ, बेटा जब कौमें आ जाएंगी तब भी तू अकेला ही होगा। लीडर की शान ये होती है वो मजमे में भी तन्हा होता है, ये तन्हाई उसकी जिंदगी का मिराज होती है, ये उसको इसको विरसे में नसीब होती है। तू कभी भी आज से याद रखी, सच की कीमत तन्हाई है। और फिर इंसान तो बना है दुनिया को फतह करने के, अफलाक के ऊपर एक नाम बनने के। दो नजरिए हैं जिंदगी गुजारने के बेटा, एक वो जो लोग चाहते थे तू बन जा, एक वो जो लोग चाहते थे कि इससे आगे ना जाए। भाई इस हद तक की डिफाइंड लिमिटेड फ्रीडम के तो हम कायल हैं, इससे आगे मत जाए, तेरी सेंस ऑफ बिलोंगिंग बर्बाद हो जाएगी, तेरा देश छुट जाएगा उस सच के ऊपर, तेरे अपने पराये हो जाएंगे उस सफर के ऊपर। लोग जो सदियों से झूठ पिलाते आए अपने आप को, तेरे उस सच बोलने से बेटा वो नेजे और छुरे तेरे खिलाफ हो जाएंगे, वो भी काम मांगेंगे तुझसे आगे कि ये बात ना कर, ये ख्वाब मत देख, ये इर्तका की बात मत कर, ये एवोल्यूशन और डिवर्सिटी की बात ना कर। सब कुछ है तेरे पास, हम है तेरे पास, माशरा है तेरे पास। और दूसरा नजरिया है कि मैं डिफाइन करूंगा, मैं बनूंगा अपने लिए एक शोखी, और मैं ही बनूंगा अपना एक जवाल, मैं ही अपना उरूज हूं और मैं ही अपना जवाल हूं। मैं डिफाइन करूंगा कि मैं हूं। जीत फिजिकल अटेनमेंट का नाम नहीं है, जीत मंजिल पे पहुंचने का नाम नहीं है, जीत अपने नजरिए को बचाने का नाम। तो अगर तू ना भी पहुंच सका बेटा क्या हुआ, अगर तेरी सोच दुनिया में जिंदा रह गई तो फिर भी अमर हो गया। गार जिसने मेरे नबी को 36 साल की उम्र में दुनिया से अलहदा किया, वो गार हिरा में तो तुझे भी जाना पड़ेगा बेटा, ये ऐसे नहीं।